ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। वैसे तो करवा चौथ की अनेकों कथाएं हैं, परंतु ये कथा श्रवण करने से यमराज के पास से भी मुक्ति पति को मिल जाती है और उसका जीवन जरूर ही लंबा होता है, नारी सधवा रहती है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत किया जाता है। सुहागी नारियां अपने पति के लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत को करने से माँ करवा प्रसन्न होती हैं। तो आइए ये कथा जरूर ही सुननी चाहिए। व्रत के पश्चात सायंकाल को पूजा करते समय इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक करवा स्त्री थी और अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो सती साध्वी थी और एक दिन की बात है कि उसका पति नदी के किनारे चला गया स्नान करने, क्योंकि वो लोग गांव में रहते थे। देव योग से स्नान करते समय जब वो स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ आया और उसके पति के पैर को पकड़ लेता है। तब वो मनुष्य, वो व्यक्ति अपनी पत्नी को, जिसका नाम था करवा, उसे करवा करवा कहकर बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर वो पतिव्रता साध्वी नारी दौड़ करके गई और जब देखा कि उसके पति के पैर को मगर ने पकड़ लिया है, तो मगर को कच्चे सूत के धागे से ही अपने संकल्प शक्ति से बांध दिया और वो बांध करके अपने पति धर्म के बल के प्रभाव से जिस तरह माता सावित्री यमलोक चली गई थी सत्यवान के पीछे, ऐसे ही अपने सतीत्व के बल पर माता करवा जो हैं वो यमलोक पहुंच गई। यमराज से बोली कि हे भगवान, हमारे पति को मगरमच्छ ने तंग किया है, उनका पैर पकड़ लिया, उन्हें खाने जा रहा था और मैं चाहती हूँ कि उस मगर को दंडित करिए। यमराज बोले कि क्या दंड दूँ? कहा उसकी मृत्यु, कहा अभी तो उसकी आयु शेष है। उसने कहा कि नहीं तो मैं आपको दंड दूंगी। यमराज डर गए और उन्होंने फिर आकर के मगर को दंड दिया और नरक में डाला। और फिर यमराज ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वर मांगो, और वर मांगा कि जो भी माता करवा अर्थात आज के दिन जो व्रत करे, श्रद्धा करे और भक्ति भाव से पूजन करे, उसके पति की आयु लंबी करना। यमराज ने कहा कि आज की तिथि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, इसे करवा चौथ कहा जाएगा और ये व्रत जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही तुम्हारे सतीत्व के बल के प्रभाव पर करवा तुम ही बनोगी और तुम्हारे बल के प्रभाव से सभी नारियों के पतियों की रक्षा होगी। तो वास्तविक कथा ये है, इसको अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण के बिना माता करवा प्रसन्न नहीं होती हैं। आप सभी के जीवन में पति का प्यार बना रहे और आप सभी के जीवन में खुशी रहे, पति की आयु लंबी हो, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कृष्ण कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। मैया जय करवा मैया, होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा माँ की आरत व्रत कर जो गावे,
व्रत उनका हो पूरण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे